अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम लिमरा टाइम से। आज हम यहाँ पे तेलंगाना हाई कोर्ट पे हैं। हाई कोर्ट पे आज आपा की हियरिंग थी। आपा की हियरिंग में आज कुछ आर्गुमेंट हुए, कुछ पॉइंट्स में आर्गुमेंट हुए। क्या आर्गुमेंट हुए मैम, डिटेल्स में बताते हैं। आपा के जो एडवोकेट थे सुधाकर रेड्डी साहब, उन्होंने ये डिटेल्स बताया। उन्होंने जो कंपनी की पॉलिसीज है, जो कंपनी का स्कीम है, वो कैसा चलता है और कैसा कैसा उसमें डिविडेंड मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, ये पूरा मैजिस्ट्रेट साहब को, जज साहब को बताया। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि आपा ने ये बिजनेस करते करते आपा ने एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रिएट किया था, पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन लड़ा था। इलेक्शन लड़ते ही जो यहाँ के लोकल पार्टी है उनको कोई पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी लगा और उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन निकाला और आपा ने उन पर 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन फाइल किया है, उसका भी एविडेंस उन्होंने बताया। लेकिन जज साहब ने ये पूछा कि अगर आपको वही प्रॉब्लम लग रहा है तो आपने डॉक्यूमेंट में पार्टी किसको बनाया, तो लेकिन डॉक्यूमेंट में पार्टी वो लोकल पार्टी का नाम नहीं था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उसको खारिज कर दिया। और साथ ही साथ में दूसरा उन्होंने ये बताया कि SFIO तहत 208, 210, 212 सेकेंड, तो ये उन्होंने एक्ट बताया है। और साथ ही साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल बताया, जहाँ पे SFIO के तरह एक एग्जांपल, एक रिकॉर्ड बताया था जहाँ पे जज साहब को दिया गया। जज साहब ने वो बोला कि मैं इसको गो थ्रू करूँगा। अभी आपको नेक्स्ट जो तारीख है वो 26 तारीख की तारीख मिली गई है। और साथ ही साथ में जज साहब ने ये भी बताया कि दोनों टीम को, जो आपा के पेटिशनर टीम है, जो रेस्पॉन्डेंट टीम है, दोनों टीम को प्रिपेयर होकर आने को बोला है और 26 तारीख को हम इस पर आर्ग्यूमेंट करेंगे, ऐसा बोला है। और जो हमारे सुधाकर रेड्डी साहब है उनके पास एक सीडी के बारे में बात कर रहे थे। एक सीडी में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था, कन्वर्सेशन में ये बताया गया था कि जैसे कि आपा को जेल में रख के उनकी प्रॉपर्टी को पूरे ऑक्यूपाई करने की बात की गई थी। लेकिन जो हमारे जज साहब थे, जज साहब ने ये पूछा कि ये कितने महीने पुराना है, तो जो हमारे एडवोकेट साहब थे उन्होंने बोले कि 7-8 महीने पुराना है। तो बोले नेक्स्ट हियरिंग में आप उनको लेके, वो सीडी दिखाओ, नेक्स्ट हियरिंग में हम देखेंगे, हम गो थ्रू करेंगे उस पर। साथ ही साथ में और एक अपडेट है, शिमोगा जो कर्नाटक का एक सिटी है, वहाँ से FIR हुआ है, 25 लाख रुपए का FIR हुआ है। FIR नंबर 00562019। जो FIR करने वाले कंप्लेनेंट है उनका नाम है मोहम्मद अखलाक शेख और नाजिया बानू, ये दोनों यहाँ पे कंप्लेनेंट है। 25 लाख रुपए का ये जो अमाउंट था, अमाउंट के ऊपर ये FIR हुआ है। अभी देखते हैं, यहाँ हमारे साथ में आमिर भाई मौजूद थे। आमिर, एक्चुअली क्या हुआ था, आप जरा अपनी जुबानी समझा दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशी थी आपा की हियरिंग थी आज 16 तारीख को, तो काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट था हमारे सुधाकर रेड्डी लॉयर साहब से। काफ़ी अच्छा आर्गुमेंट किए और काफ़ी दलीलें बताएं वो पेश किए हैं जज साहब के सामने। जज साहब ने उसको सुना और समझा और ये बताया कि आने वाले 26 तारीख से पहले पहले रेस्पॉन्डेंट और पटिशनर दोनों को जो है प्रिपेयर होकर इस केस के लिए आना पड़ेगा 26 तारीख से पहले पहले। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इस 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को इंशाल्लाह कुछ अच्छा फैसला आने की जो है अल्लाह से उम्मीद है। इंशाल्लाह आप लोग जो है सब्र करिए, सब्र का दामन थामिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अच्छी खबर हमको सुनने को मिलेगी इंशाल्लाह। और मेहरबानी करके जो भी कंप्लेनर्स हैं ज़रा इस बात को समझिए, ये जो है पूरी बात, पूरी कहानी सुनने के बाद में भी जो है आप लोग भाग रहे हैं, ये जाके फिर से FIR करा रहे हैं, कंप्लेन कराने के लिए जा रहे हैं आप लोग, ये ये समझ के बाहर है ये। आखिर आप जरा सब्र करिए थोड़ा सा, इंशाल्लाह आप जल्द से जल्द बाहर आएंगे और सबका मैटर क्लियर हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं करीम लिमरा टाइम से, शुक्रिया। बता रहा था कि आपा को जो है बर्बाद और तबाह करने के पीछे जो है बहुत बड़ा टीम वर्क चल रहा है, इंडिया में बल्कि नहीं बाहर ममालिक में भी बैठ के लोग जो है टीम वर्क काम कर रहे हैं। उनका मकसद, उनकी नीयत सिर्फ आपा की प्रॉपर्टी है। आपसे और हमसे, हम इन्वेस्टर से, हम मेंबर से उनका कुछ लेना देना नहीं है भाई लोग। जितने भी लोग FIR कराए हैं, जो लोग FIR नहीं कराए हैं, हमसे उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनको किसी से मतलब नहीं है। उनको मतलब है आपा की प्रॉपर्टी से, उनकी नीयत है आपा की प्रॉपर्टी को हड़प करना। जैसा आज भी आर्ग्यूमेंट में बताया गया था कि वकील साहब ने बताया कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि किस तरीके से हम लोग जो है आपा को इतना मजबूर कर देंगे कि वो उनकी प्रॉपर्टी को सील कर देंगे, यानी कि बेच देंगे उनकी प्रॉपर्टी को, सील करना पड़ेगा उनको। तो इनका मकसद भाई लोग एक ही मकसद है कि आपा की प्रॉपर्टी को सील कराना और आपा की प्रॉपर्टी को जो है सस्ते दामों में ख़रीदना। और आपा की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है इनकी नीयत है, हमको चाहिए कि भाई थोड़ा सा दिमाग लगाए, हम इसको सोचें। हम क्यों मौका दे रहे हैं भाई, हम जो है उनका हथियार बन रहे हैं। वो कहीं होते नहीं, वो कोई खुदा नहीं है जो हमको जो है बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। वो बैठ के बोल दे रहे हैं कि भाई हम उनको बाहर आने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अरे भाई, अल्लाह का नाम लेने से पहले मुसलमान तो बनो। नाम से कोई मुसलमान नहीं होता भाई, खाली नाम रख लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। मुसलमान का मतलब है अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले को बोलते हैं मुसलमान।
आपका रिश्ता जो है ना सुन्नत से है ना फर्ज से है, दूर दूर तक नहीं है। आप जो है बड़े बड़े खस्मा खा रहे हैं, मुसलमान का नाम ले रहे हैं, ये सब चापलूसी बातें, ढकोसले बातें हैं भाई लोग। तो FIR करने वालों से मेरी गुजारिश है कि इनकी बातों में ना आए और अल्लाह के ऊपर तवक्कल करें, अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज और सब्र से काम लें। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमारे साथ में है महाराष्ट्र से जहां आ रहा आपा, आपा कल आपने नवेरा आपा से मुलाकात की? जी, उनकी अम्मी से मेरी कल मुलाकात हुई थी। उन्होंने बताया है कि आप लोग सब जितने भी इन्वेस्टर हैं सब सब्र से काम लीजिए, इंशाल्लाह आपा बाहर आएंगी, उनके अकाउंट डिफ्रीज होंगे, वैसे ही वो पेमेंट शुरू कर देंगी। और सबको तसल्ली से रहने के लिए कहा है, किसी को FIR ना करें, यही सलाह दी है उन्होंने। उनकी अम्मी से हमारी ज्यादा बातचीत तो नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने हमको तसल्ली देने वाला यही जवाब दिया कि आप सब्र से काम लीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों का पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो हमारे पास में महफूज है और आपको जरूर मिलेगा। जी, मैं भी दरख्वास्त करूंगा सभी मेंबरान से कि सब्र से काम लेना में ही अपनी भलाई है, ना कि और किधर FIR के लिए जाओ और बड़े बड़े बखेरे खड़े कर दो। उससे अच्छा है थोड़ा सब्र रखो, इंशाल्लाह सब अच्छा होने वाला है। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में रत्नागिरी से अजीजा ज्वाले के हम गांव वाले हैं, मेंबर हैं। उनके गांव वाले भी हैं। अच्छा। और ये जीनियन बिजनेस है इनका, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है ये सब, मतलब ये भागने वालों में से तो नहीं, इतनी तो पूरा भरोसा यकीन है। और जैसे जैसी बातें करते हैं आज लोग, फितने पैदा करने वाली, उसमें बिल्कुल ध्यान न दे और अपना बस दुआ करें अल्लाह से और इंशाल्लाह सब ठीक होगा, ऐसी तो पूरी उम्मीद है। वैसे भी हम नए इन्वेस्टर हैं, ऐसा नहीं कि पुराने हैं, और जिस तरह से हम उनके बारे में जान चुके हैं, देख रहे हैं, उनसे उनके बातें सुन रहे हैं, उन्होंने ना कभी किसी के लिए बुरा एक अल्फाज इस्तेमाल किया है, इतनी नेक आदत है उनकी। और जिस तरह से दुश्मन लोग उनके लिए गाली गलौज बुराइयां फैला रहे हैं, बिल्कुल गलत है। और आपा भी उसके खिलाफ हैं, लेकिन उसी कोशिश में है कि उनको भी अल्लाह ताला एक मौका देगा, किसी ने एक ना एक दिन उनको भी बोलते ना उनके नेक उनके लिए भी नेक दुआएं करते रहे हमेशा के लिए। जी शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाह रहा था हमारे सभी कंप्लेनर भाइयों से, बहनों से, जितने भी कंप्लेनर थे, कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है आपा को फंसाया गया है, और इसके पीछे जो है बहुत बड़ा यानी कि बहुत बड़ा टीम वर्क चल रहा है, इंडिया में ही बल्कि नहीं बाहर ममालिक में भी जो है ये टीम वर्क कर रहे हैं ये लोग, और अलग अलग नंबरों से, बाहर के नंबरों से, यहाँ इंडिया में बैठ के जो है बाहर के नंबरों से जो है कॉन्टैक्ट में है और इस कंपनी को तबाह बर्बाद करने के चक्कर में है, और ख़ास करके आपा की प्रॉपर्टी के पीछे इनकी नीयत बहुत बुरी नीयत है। तो मेरे कंप्लेनर भाइयों बहनों से जो है अभी भी गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलो और सच क्या है उसको पहचानो। आप एक आलिमा के ऊपर आप लोग जो है तोहमत लगा रहे हैं और गीबत कर रहे हैं, बद पीछे उनकी गीबत कर रहे हैं या उनके ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, इससे पहले आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो आप लोग कि भाई जो औरत अभी तक शुरू से लेकर अभी तक पैसे देने के लिए राजी है, मैं पैसे दूंगी बाहर आकर पैसे दूंगी ये बता रहे हैं हमेशा, मगर फिर भी आप लोग जो है उनकी बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, यानी कि मतलब XYZ किसी भी आदमी के ऊपर भरोसा कर ले रहे हैं। भाई कोई भी आ रहा बोल दे रहा मैं इनको आने नहीं दूंगा, मैं ये कर लूंगा, भाई अरे कोई खुदा है क्या? कोई खुदा थोड़ी है वो। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे सबल भाई मौजूद है। सबल भाई, एक्चुअली आज की जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट में आपको क्या लग रहा है, क्या बातचीत हुई? देखिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जो रिट पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट में, कोर्ट नंबर 13 में, आज उनके एडवोकेट वेणुगोपाल ने यह बहस की कि इस महिरा शेख, क्योंकि एक मुस्लिम लेडी है और 15 अक्टूबर से ये जेल की कटहरी में है, इसीलिए इनको बेल देनी चाहिए और कंपनीज एक्ट के तहत इनका केस SFIO के ज़रिए तहकीकात करवाने के लिए इन्होंने मांग की। हमारे एडवोकेट तौसीफ़ बाशा ने फौरी तौर पर उसकी मुखालिफत की और तब तक के इसका एडमिशन नहीं होने की बात की, क्योंकि 2018 अक्टूबर में भी सेम प्ले में एक रिट पिटीशन दाखिल किया गया था विनीत डाडा की जानिब से, इसीलिए माननीय जज ने इसको 26 अप्रैल के लिए पोस्ट कर दिया। लेकिन जज साहब ने यह बोला कि दोनों टीम प्रिपेयर नहीं है, प्रिपेयर होकर आने को बोला है। देखिए, अभी तक पुलिस ने और आपके हीरा विक्टिम एसोसिएशन के वकील तौसीफ बाशा ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। हमने पहले भी कहा था कि हम जवाब सुकून से दाखिल करेंगे, क्योंकि ये बात लंबी जाने वाली है, क्योंकि कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के कोर्ट में CBI का प्ले नेक्स्ट मंडे आ रहा है, इसीलिए
اس کو جو ہے کیونکہ اب اس میں شموگا میں بھی ایک نیا ایف آئی آر ہوا ہے, دلی میں بھی ایک نیا ایف آئی آر ہونے کی سمبھاونا ہے. انشاءاللہ اسی طرح اس کو سی بی آئی کے سپرد کرنے کے لیے ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن اپنی بھرپور قوت کے ساتھ مقابلہ کرے گی. شہباز بھائی ایک چیز یہ پوچھنا ہے کہ مطلب آپ ہاتھ دھو کے پیچھے کیوں لگے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہندوستان کے 25 لاکھ مسلمان اس میں پریشان ہیں, اس میں ہاتھ دھونے کی کیا بات ہے؟ کمپلیننٹس کمپلینٹ لے رہے ہیں, کمپلینٹ کر رہے ہیں, ان کا پیسہ نہیں مل رہا ہے. یہ بات صاف ہو گئی کہ 500 کروڑ سے زیادہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, جبکہ یہ 50,000 کروڑ کا اسکیم ہے. 49,000 کروڑ روپیہ یا زمین کھا گئی, یا آسمان کھا گیا, یا ہندوستان سے باہر منتقل کر دیا گیا, یا ایک کا پیسہ ایک کو دے دیا گیا. اسی لیے اس کی سی بی آئی کی تحقیقات کی ہم مانگ کر رہے ہیں. تو لیکن اس میں تو کوئی اسٹیٹس نہیں ملا ابھی تک سی بی آئی انکوائری پہ. نیکسٹ منڈے کے دن ہمارا پی آئی ایل کوٹم ون میں ہے, انشاءاللہ انلسٹ ہو جائے گا منڈے کے دن. اس میں دیکھیں ان کا وکیل ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں کرا ہے, انشاءاللہ وہ آرڈر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں شہباز بھائی, یہ جو کمپلینر کمپلین کر رہے ہیں, تو اس میں بیچ میں آپ انوالومنٹ ہے, آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس میں اندر کی بات کیا ہے, مطلب جو ہڈن ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آیا گیا, تمام کمپلیننٹ انویسٹرز مجھ سے رجوع ہوئے اور مجھے اس کا صدر بنایا. مجھے صدر بنانے کی بنیاد پر میں ان کی فری لیگل ایڈ سروسز کا کام کا آغاز کیا. ان لوگوں نے میرے پہ کیسز ڈالے لیکن ایسا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی تمام کمپلیننٹ کے پیسے اور تمام انویسٹرز کے پیسے دلائے تک ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن اسی طرح بھرپور قوت کے ساتھ ان لوگوں سے مقابلہ کرے گی. لیکن یہ کیسا ہے پولیٹیکل ریونج ہے, کیسا ہے؟ مطلب کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ مطلب ایم آئی ایم اس کے خلاف ہے. دیکھیے ایم آئی ایم سے ان کا کوئی میل ہی نہیں ہے, ان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہے. کوئی کارپوریٹر نہیں جیتی ہندوستان بھر میں جو 10,000 ووٹ کا کارپوریٹر نہیں جیت سکتے. کرناٹکا میں انتخابات لڑے اسمبلی میں جہاں پہ 3 لاکھ ووٹرس ہوتے, وہاں پر جو ہے 500 ووٹ کہیں پر کراس نہیں کرے. یہ تو بھاگنے کا ان کا پلان تھا, پولیٹیکل گیمز گیم کھیلا گیا اور یہ ہندوستان سے بھاگ رہی تھی. ان کو حیدرآباد کی پولیس نے گرفتار کیا. لیکن وہ تو ایسا بول رہے ہیں کہ مطلب میں سب کا پیسہ دے دوں گی, میں مطلب باہر نکلوں گی سب کا پیسہ دے دوں گی. تو یہ آپ کی صرف آپ اکیلے نہیں مان رہے, باقی پوری عوام پورے جتنے ہیں سب لوگ تو مان رہے ہیں. ان کے ممبر کون مان رہے ہیں؟ 5,000 دلال ڈی ایم ایس اے پولیس نے اپنے جواب میں داخل کر دیا ہے کہ 2050 ڈی ایس اے کی نشاندہی ہو چکی ہے, 77 ایم ای کی نشاندہی ہو چکی ہے, اور صرف یہ دلال بول رہے ہیں. لیکن 3 لاکھ سے زیادہ انویسٹر نظر بھری آنکھوں سے, حسرت بھری آنکھوں سے لمرا ٹائمز کو, شہباز خان کو, نوہرا شیخ کو, کورٹ کو, پولیس کو دیکھ رہے ہیں. وہ لوگ خاموش بیٹھے ہیں, لیکن یہ 5,000 دلال جو ہے کبھی ڈس لائک کرتے ہیں, کبھی کمنٹ کرتے ہیں, کبھی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے انٹرویو دیتے ہیں. جنین انویسٹر کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی مطلب جتنے بھی آپ نے کمپلین کی ہے تو ان کو آپ کہاں تک ساتھ دیں گے؟ مطلب کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ 10 سال میں پیسہ ملے گا, 7 سال میں پیسہ ملے گا. آپ تو مطلب جلدی دلانے والے تھے, تو اس کا کیا ہوا؟ ہم شروع سے بولتے آئے کہ ان کی تمام پراپرٹیز کو آکشن کیا جائے گا اور ان کے اکاؤنٹ کو جو ہے ضبط کیا جائے گا. جو ہو گیا 240 اکاؤنٹ میں صرف 25 کروڑ روپیہ نکلا, 86 پراپرٹیز جو رجسٹرڈ ویلیو 213 کروڑ کی بتائی جاتی ہے. یہ تقریباً جتنے لوگ کمپلینٹ کرے ہیں اتنا پیسہ ہے, لیکن اگر اور لوگ کمپلینٹ کریں گے تو ہندوستان سے باہر جو پیسہ بھیجا دیا گیا وہ پیسہ واپس لانے میں مدد ملے گی. اگر نہیں کریں گے تو یہ کمپلینٹ کا ان لوگوں کو پیسہ, جس طرح ایمبیڈینٹ کا پیسہ آنے کی سمبھاونا ہو گئی, پراپرٹی آکشن کی جا رہی ہے, یہ بھی پراپرٹیز کو یہ کیس ہونے کے بعد سے 2 سال کے اندر انشاءاللہ پورا معاملہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تھے شہباز بھائی ایم آئی ایم کے لیڈر. شکریہ.